में फिर चलते हैं जी। अच्छा जी, आज हमारे पास चैप्टर 3 है। इसका टॉपिक था चैप्टर 2 का, हमारे पास थोड़ा सा क्लाइमेट वाला आसान सा टॉपिक था, और एंड पे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि उसको एमसीक्यू उसको भी रीड आउट कीजिएगा, याद कीजिएगा। आप प्लीज़ इसको साथ साथ करते चले जाएं, जब हम टेस्ट लेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आज हमारे पास जो है वो आसान तरीन चीज़ है जी, इन्वायरमेंटल साइंस। कोशिश करेंगे समझाने की। इन्वायरमेंट, इस बच्चे का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। वो बच्चा कोई आए ना बदतमीजी कर रहा होता है, ठीक है, तो इस बच्चे के इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट नहीं है, ये इसे माहौल ठीक नहीं मिला जी, इसलिए ये बदतमीज हो गया है। अब हमारे पास इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोई भी बंदा, आप जहाँ पे बैठे हैं वो आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है। हम लोग, जब तक सेफ इन्वायरमेंट नहीं होता, इंसान को कोई हक जो बाकी नहीं मिल सकता। समझ नहीं आ सके सर, इंसान है, इन्वायरमेंट है, इससे मुराद क्या है? इन्वायरमेंट की छोटी सी डेफिनेशन ये है कि हमारे इर्द गिर्द हर वो चीज़ जो कि मौजूद है वो इन्वायरमेंट है। अगर जिंदा है तो बायोटिक है, बेजान है तो एबायोटिक है, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में डेफिनेशन जो है वो केन सारो विवा ने जो है वो ये की है, ये पहली इनकी डेफिनेशन हमारे सामने मौजूद में आती है। ये लिखते हैं कि इन्वायरमेंट जो है, ये लफ्ज़ जो है वो दर हकीकत, इनके तो ये कोटेशन ही है। अब ना जरा, जब हम कहते हैं किसी बच्चे को माहौल अच्छा नहीं मिला जी, वो इसलिए खराब हो गया, उस बच्चे के साथ ये हुआ, ये इन्वायरमेंट हजूरे वाला होता क्या है? इन्वायरमेंट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम, जो एक्चुअल वर्ड हमारे पास इन्वायरमेंट था, इन्वायरोनिया, इन्वायरोनिया था। अब इन्वायरोनिया जो है वो क्या है? इसका मतलब होता है सराउंड, किसी चीज को किसी चीज ने घेर लिया, घेरे में ले लिया, वो हमारे पास हो गया इन्वायरोनिया। लफ्ज़ जो है वो सीना बसीना चलते रहे, और आज हमारे पास ये जो है वो इन्वायरमेंटल बन चुका है, ठीक है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल जो है वो चुका। सो जी, हर वो चीज़ जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, आपके सराउंडिंग्स में है, वो इन्वायरमेंट है। मजीद सादा लफ्जों में कहें, आपके इर्द गिर्द दो चीज़ें होंगे, एक तो वो जिन्हें आप हाथ लगा सकते हैं, आपका बहन भाई है, कोई और है, छोटा बच्चा है, कुछ भी है जिन्हें आप छू सकते हैं, और दूसरी चीज़ें कोई ग्लास है, कुछ भी है जिसे आप छू सकते हैं, एक तो वो हमारे पास होंगे, फिजिकल होंगे, ठीक है, या बायोलॉजिकल हैबिटेट होंगे, कोई इंसान है, कोई पौधा है। तो इस हवाले से हमारे पास जो है वो पी गिस्बर्ट की डेफिनेशन आ जाती है, ये दो ही इसके अंदर जो है वो कोटेशंस हैं। पी गिस्बर्ट कहता है कि इन्वायरमेंट हर वो चीज़ है जो फौरन से आपके गिर्द आ जाती है, जिसका आपके ऊपर जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई असर होता है, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट दो तरह के हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है? जिस तरह से हवा है उसकी फिजिक मौजूद है, पानी है उसकी फिजिक मौजूद है, जो लैंड है उसकी फिजिक मौजूद है, इनको हम ए बायोटिक इन्वायरमेंट भी कहते हैं, जिनके अंदर जान नहीं होती, उनका वजूद होता है, उन्हें हम फिजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। और लिविंग इन्वायरमेंट दूसरी तरफ वो चीज़ें होती हैं जो कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब के सब जो हैं वो बायोटिक भी कहलाते हैं। आई एम श्योर कि यहाँ तक तो चीज़ें आसान है, क्लियर है। जिस जिसको यहाँ तक क्लियर है वो जरा क्लियर लिख दे, ताकि फिर जो है वो हम आगे चलें, क्लियर। बल्कि जिसको क्लियर है वो जो है आते हुए बोतल लाए, क्लियर। किसी को भी क्लियर नहीं हुआ? ये सभी जो है वो मसरूफ हैं कहीं भी लिखने में, नोट्स बनाने में। अच्छा जी, आते हुए बोतल लाए जो है वो, ये हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं, AHBL, आते हुए बोतल लाए। अमूमन के मेहमान आ जाए तो फोन करते हैं ना, फोरन से आते हुए बोतल लाए, तो ऐसे ही कुछ कंपोनेंट हैं, कुछ ना कोई चीज़ इन्वायरमेंट है। अभी जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, जहाँ पे हम बैठे हैं, यहीं से कहानी में कहीं से कोई चीज़ मिस नहीं करनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़े की कहानी होने जा रही है। अच्छा जी, कंपोनेंट्स हैं, किसी चीज़ से मिलके किसी चीज़ का बनना है। इन्वायरमेंट जो है वो बनता है आते हुए बोतल लाइन से। आते हुए बोतल लाइन स्टैंड्स फॉर व्हाट? ए फॉर एटमोसफेयर, एच फॉर हाइड्रोस्फेयर, बी फॉर बायोस्फेयर, एल फॉर लिथोस्फेयर, ठीक है। तो आई एम श्योर कि ये आप सबको याद हो गया होगा, आते हुए बोतल लाइन, एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, यहाँ तक तो आप सबको पता चल चुका है। एटमोसफेयर, एटमोसफेयर जो है हमारे पास, स्फेयर कहते हैं जी सतह को, तय को, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द जो गैसियस हैं, जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं, पंखा चल रहा होगा या एसी चल रहा होगा, कुछ ना कुछ चल रहा होगा, ये गैस की एक लेयर है हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद है, ठीक है।
तो जमीन पूरे की पूरी एक समझेंगे, ये जो है वो जमीन है जनाब, ये जमीन है, इस पूरी की पूरी जमीन जो है हम इस ये गिरी हुई है गैसेस से, जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो गैसेस मौजूद है। अब जमीन के अंदर भी गैसेस मौजूद हैं, बाहर भी हैं। यहाँ पे आप जहाँ पे बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, गैसेस हैं, इन्वायरमेंट है, कोई पर्सन है, कोई चीज है, वो आपके पास जो है वो इन्वायरमेंट है, और जितनी भी गैसें हैं वो आपके पास एटमोसफेयर है। पहली चीज है एटमोसफेयर, चार चीजों से मिलकर इन्वायरमेंट बनता है, उनमें से एटमोसफेयर पहले नंबर पर, जो हवा है, जो गैसें हैं, वो आपके पास क्या होती हैं, वो आपके पास है एटमोसफेयर में। एटमोसफेयर में गैसें भी अब दो तरह की होती हैं, गैसेज इन एटमोसफेयर डिवाइडेड इन टू टू काइंड, एक होती है जी कॉन्स्टेंट गैस और एक होती है वेरिएबल गैस। कांस्टेंट गैस में जब भी कहूंगा तो कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो परमानेंट रहती है, ठीक है, कांस्टेंट परमानेंट। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि रावलपिंडी का टेम्परेचर जो है वो 22 है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसका मतलब है कि वहां पे गैस परमानेंट इतनी रहती है। अगर मैं कहूँ कि दस्का या सियालकोट का टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 24 रहता है, और कभी कभी जो है वो 26 पे चला जाता है, कभी 28 पे, ये वेरिएबल है, जो चीज़ परमानेंट नहीं होती। हमारी हवा में, इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि हमेशा से वैसी ही हैं, ना ज्यादा होती हैं ना कम होती हैं, ना भरती हैं ना भरती हैं ना भरने देती हैं। कांस्टेंट गैसेस वो हैं जो कि चेंज नहीं होंगी टाइम के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि आज ज्यादा है कल को कुछ और। किसी ने खातून से पूछा ना कि आपकी एज क्या है, तो उसने कहा जी मेरी एज है 18 साल। वो कहता है जी मैंने तो 2 साल पहले भी आपसे पूछा था, आपने कहा था 18 साल। उसने कहा जी भाईजान मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आज कोई बात करें कल कोई बात करें, मेरी एज जो है वो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है जो ऊपर नीचे होगा। सो 18 के बाद जो है वो मेरी एज बढ़ती नहीं है, ये यहीं पे रुके। सो उसी तरह से कुछ गैसें हमारे पास यूनिवर्स में ऐसी हैं जो कि कांस्टेंट हैं। अब कांस्टेंट में कौन कौन सी आ जाती है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है नाइट्रोजन और फिर आ जाती है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने तो जमीन को अपना मरकज बनाया हुआ है कि जनाब मैं तो इधर ही रहूंगी, पक्की पक्की जो है वो, ये दो सहेलियां हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आप इनको प्यार से वो एक को ऑक्सी कह देती है और एक को नाइट्रो कह देती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों बड़ी पक्की सहेलियां हैं, जमीन पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। नाइट्रोजन के पास पूरी की पूरी जमीन का 78.09% है, ठीक है, यानी कि इतना बड़ा है। कुछ हिस्सा नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को भी दे दिया कि चलो मेरी ये दोस्त है, तो 20.94 जो है वो ऑक्सीजन के पास है। नाइट्रोजन का एन लिखेंगे, ऑक्सीजन का ओ लिखेंगे, और इनकी ये दोनों जो वैल्यूज हैं 78.09 नाइट्रो की और ऑक्सी की 20.94 लिखेंगे चैट बॉक्स में अभी के अभी, ताकि पता चले आप लोगों को याद होगी। जी मुजम्मिल साहब, ओके जी, ग्रेट हो गया जी। हमारे पास जो है यहाँ तक चीजें जो हैं वो पता चल चुकी हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये जो है वो मुझे बताएं जरा, कैलकुलेटर के ऊपर सभी जरा कैलकुलेट करें कि 78.09 अपने अपने मोबाइलों पे खोलें जरा कैलकुलेटर अभी ना, 78.09 के अंदर जरा जमा करें 20.94, तो क्या करना। अल्लाह कितना बुरा है मैथ तुम लोगों का, तुम सब के सब लोगों को ना मैथ के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। 99.3, अब इसको तो 100 में से माइनस कर दो, -100 करो, 100 कर दो, ये दोनों गैसें मिलके जमीन पर 99.03 जो है वो बनाती हैं। और अगर आप इनमें से 100 में से माइनस करोगे
तो ये हमारे पास 0.97 के करीब जो है वो ऐसा एरिया है जो कि मुजम्मिल सा बचता है बाकी गैसों के पास, 1% से भी कम, ठीक है, 1% से भी कम। अच्छा जी, अब हमारे पास जो बाकी गैसें हैं ना, ये दोनों की दोनों गैसें हैं, ये है कांस्टेंट गैसेस। ये कौन सी हैं? कांस्टेंट गैसेस जो है वो, अब ये कांस्टेंट हैं, ये इन्होंने कहा है कि जी हमारी तो मकदार इतनी ही रहेगी, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर का बल्क बनाते हैं, सबसे ज्यादा ऐसा ये बनाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे रह गया था, मैंने बताया था 0.97 हमारे पास बचता है जी कायनात में। 78.09 ये नाइट्रोजन खा गई है, 20.94 ऑक्सीजन खा गई है। अब 0.94 में से जो है कुछ गैसेस जो हैं जिसमें एरागोन, AHKX, एरागोन, हीलियम, क्रिप्टोन और हमारे पास जीनॉन जो है वो, ठीक है, जीनॉन, एरागोन, हीलियम, क्रिप्टोन, जीनॉन जो है ये 9.097 में से 9.94 जो है वो ये इसका हिस्सा, ठीक है, इसका हिस्सा। अब जी हमारे पास जो है एक लफ्ज यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर है इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस ये जो है वो लिखा हुआ है। अगर मैं इसको भी समझा दूँ, इनर्ट गैस, अब ये इनर्ट गैसेस क्या होती हैं कि ये इनर्ट गैसेस होती क्या है? देखो आपके पास ना एक टॉय है, आपने कहा कि जी मेरे मेरे पास एक जो है वो फॉर एग्जाम्पल टॉय है और उस टॉय के अंदर जो है वो ऊपर 8 स्टिकर लगे हुए हैं, 8 तरह के स्टिकर लगे हुए हैं। अब आपने कहा मैं उसी के साथ खेलूंगा जिसके पास ऐसा ही टॉय होगा और उसके ऊपर भी 8 स्टिकर लगे होंगे। अब जो है वो ऐसा वाला टॉय जो है अब मिलेगा जिस बच्चे के पास, जिसके पास भी होगा, ये बंदा बैठा है, ऐसा किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये बच्चा है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है कि किसी दूसरे के साथ जाके खेले, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बेहतरीन टॉय है, 8 स्टिकर्स लगे हुए हैं, वो सबसे अच्छा टॉय समझा जाता है। इनर्ट गैसेस ऐसी गैस जिस मलकियत में उसके पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, ठीक है, ये सादा लफ्जों में कह दो ऐसी गैसेस जो फौरन से रिएक्ट नहीं करती हैं। इनर्ट गैस जो है वो रिएक्ट नहीं करेंगी, पहले नहीं जाएंगी किसी की तरफ, क्योंकि इनके पास अपना जो ट्राई है उसके ऊपर 8 स्टिकर्स लगे हुए हैं, उनके पास इनके अपने जो है वो शेल्स कंप्लीट हैं। ये दूसरों के साथ भाग के नहीं जाएंगे कि जी हम भी तावन करें। कुछ गैसेस होती हैं ना, उन्हें जैसे आप रिलीज करते हो वो दूसरी गैसेस के साथ मिल जाती है। इनर्ट गैसेस स्टेबल गैसेस हैं, गैसेस हैं। अब इसमें हमारे पास हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, ये 0.94 बनाते हैं। और वेरिएबल गैसेस हमारे पास कौन सी हैं जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहती हैं, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास वेरिएबल गैसेस में है और ये हमारी कायनात में सिर्फ 0.03% जो है वो मौजूद है। तो क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? 78.09 नाइट्रोजन, 20.94 ऑक्सीजन, 0.94 AXKP KZ और ये हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 आता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर कि एटमॉस्फेयर किन से बनता है? आई एम श्योर कि एक दफ़ा मजीद पढ़ोगे तो ये चीज़ें आसानी से समझ भी आ जाएंगी। क्लियर हो गया? ग्रेट हो गया। अब जी आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास ना जमीन जो है वो कुछ ऐसे है, मुजम्मिल साहब जमीन समझ लो कि ये है, ये जमीन है, ठीक है। अब जमीन जो है इसके अंदर जो है एटमॉस्फेयर जो है वो उसने हर चीज को, ये कंबल की तरह है, इसने हर चीज को ढांपा हुआ है। ये कंबल है, जैसे कंबल नहीं हम अपने ऊपर ले लेते हैं, तो वो कंबल क्या करता है, मुख्तलिफ चीजों को ढांप लेता है, मुख्तलिफ चीजों को अपने ऊपर ले लेता है। जमीन के अंदर गैसेस ने भी एक कंबल की तरह इसको ढांपा हुआ है हर चीज के ऊपर। आप देखो जरा यहाँ पे आप लोग देखोगे ये जो हवा है, कंबल का वजन होता है ना, जब कंबल हम अपने ऊपर लेते हैं वजन तो होता है उसका। अब जमीन के अंदर जो गैसें हैं इनका भी वजन है, ठीक है, इनका भी वजन है। यही वजह है जब हम पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे जाके वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं क्योंकि हवा कम हो रही होती है। बात समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? आप पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, ऑक्सीजन साथ लेके जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा कम होती चले जाती है, ठीक है। और अब आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि कंबल जो हम ऊपर लेते हैं उसका तो वजन होता है, अब ये जो हमारी हवा है इसका भी तो प्रेशर है हर चीज पे, जो हमें नीचे दबा के रखती है इसका भी तो प्रेशर है, तो फिर हम लोगों के ऊपर भी तो प्रेशर होगा। हम लोग जो चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारे कंधों पे भी तो प्रेशर है, तो
फिर हम लोग पिचक क्यों नहीं जाते हैं, हम लोग इतनी वजनी हवा है, हम दब क्यों नहीं जाते हैं इसके नीचे? बॉडी जो है ना हमारी बॉडी, क्या इसके अंदर कोई हवा मौजूद होती है? यस और नो? हमारे जिस्म के अंदर कोई हवा मौजूद होती है? यस और नो? हमारे जिस्म के अंदर क्या कोई हवा मौजूद है? नईम साहब ने कहा यस। ओके, बाकियों को क्या लगता है? क्या हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में हर वक्त हवा मौजूद होती है? बाहर वाली हवा अंदर वाली हवा के साथ बैलेंस कर लेती है, ठीक है? सो मजीद चल के आगे मजीद समझाऊंगा। जो एटमॉस्फेयर है इसने जमीन के ऊपर हर चीज को जो है वो पकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर को स्टेबल रखना चाहता है, ठीक है? अब जो है ताकि सोलर रेडिएशंस ना हो सके। अब यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेयर ही है, मुख्तलिफ गैसेस ही हैं जो कि सूरज से आने वाली मुख्तलिफ किस्म की शुआओं को, रेडिएशंस को भी कंट्रोल करते हैं, वो चाहे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन है, लेकिन इसके अंदर प्रोटेक्टिव कॉम्बिनेशंस भी मौजूद हैं। और ये प्रोटेक्टिव कॉम्बिनेशंस एटमॉस्फेयर के अंदर वो हैं जो कि 100 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। जमीन से शुरू होता है, क्या हमारे पास जो है वो आती है, मुख्तलिफ स्फेयर आ जाती हैं और उन स्फेयर तक चलता चला जाता है, थर्मो सेपरेटर वगैरह वगैरह जो है वो सब तक चला जाता है। सो जी, एटमॉस्फेयर हमें ये पैराग्राफ में समझ में आता है कि पूरी की पूरी जमीन को उसने जो है वो अपने घेरा हुआ है, और इस घेरने की वजह से जमीन के ऊपर टेम्परेचर जो है वो स्टेबल रहता है। ऐसा नहीं होता कि किसी वक्त जो है वो आज सुबह आप उठे हैं तो टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री पे चला गया, अगले जो है वो सुबह उठे हैं तो टेम्परेचर जो है वो 90 पे है, अभी अगले उठे हैं तो टेम्परेचर -10 पे आ गया है। वो स्टेबल रखने की कोशिश करता है क्योंकि हवा हर जगह मौजूद है, और प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को, इंसानों को सोलर रेडिएशन से जो है वो। ये यही वजह है कि 100 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। और हमारे पास ये बताया जाता है कि जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हो, ठीक है, आप जैसे जैसे ऊपर चले जाते हो एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, फासला बढ़ता चला जाता है, प्रेशर कम होता चला जाता है, ठीक है? जमीन से जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हो आपका जो डिस्टेंस है वो जमीन से बढ़ता है, तो आपके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है जी? सो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है, जो टेम्परेचर है वो है जो कि जमीन पे हर वक्त जो है वो एटमॉस्फेयर मौजूद है, ये गैसेस हर जगह पे मौजूद है। अब इसे हम मुख्तलिफ तरीके से जो है वो मेजर कर सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि इसको मेजर करने के लिए हम मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो लेयर्स हैं जो जमीन पे है, सबसे पहली लेयर जो है वो इस डायग्राम को समझिएगा, ये जमीन है आपकी। जमीन के ऊपर सबसे जो पहली डायग्राम आपके पास आती है, जो सबसे पहली लेयर आती है वो हमारे पास होती है जी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है? ट्रोपोस्फेयर ये वो सतह है जो कि आपके पास शुरू हो जाती है जमीन से लेके और चलती है 12 किलोमीटर तक, ठीक है? 12 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर तक ये आपके पास जो है वो चलती है, यानी कि हम जहाँ पे आप लोग बैठे हो ना, इससे 12 किलोमीटर तक ऊपर चले जाओगे तो ट्रोपोस्फेयर आपको नजर आएगा, ठीक है? ट्रोपोस्फेयर नजर आएगा 12 किलोमीटर से। इन तमाम के तमाम आगे चले जाओगे 50 किलोमीटर तक तो स्ट्रेटोस्फेयर आ जाएगी, दूसरी लेयर जो है वो आपके पास आ जाएगी। अब इसको याद रखने का क्या फॉर्मूला है? द सन मेल्टेड द एग्स, द सन मेल्टेड द एग्स, इसे एग्जोस्फेयर कहते हैं। इस फॉर्मूले को लिख लो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है द सन मेल्टेड द एग्स, बल्कि एक दफा चैट बॉक्स में भी लिखो ये फॉर्मूला, द सन मेल्टेड द एग्स। ओके जी, अब हम जो हैं यहाँ से चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं मजीद चीजों को जो है वो समझते हैं। अच्छा, एक चीज जो है याद रखिएगा, ये जो पहले वाली सतह हमारे पास है, ये जो पहले वाली सरफेस है, इसे हम जो हैं ये जमीन की लेयर्स हैं, ठीक है? पहले
पहले वाली लेयर जो है वो मैंने अर्ज किया कि इसका नाम आपके पास है ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर होती क्या है जी, थोड़ा सा इसको अगर हम जो है हम देख सकें, ट्रोपोस्फेयर बिल्कुल सतह पे मौजूद है, 12 किलोमीटर तक चले जाएंगे तो ये ट्रोपोस्फेयर आपको नजर आएगी। हम इस जगह पे रहते हैं, ये जहाँ पे हमारे घर हैं सारे के सारे जो हैं वो ये हैं, ये वो जगह है जहाँ पे बादल बनते हैं, मौसम आता है मौसम जाता है, ठीक है, वो सारे के सारे इस जगह पे हैं। ये जो बादल नजर आ रहे हैं ना, ये बादल बन रहे हैं, मौसम आ रहे हैं मौसम जा रहे हैं, ये सब के सब ट्रोपोस्फेयर के अंदर है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर है। यहाँ पे बारिश भी बरसती है, ये वो सतह है कि 12 किलोमीटर तक जहाँ पे आपके एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर है। यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर है जो ऊपर ऊपर जैसे जैसे हम जाते चले जाएंगे, यहाँ से ऊपर चले जाएंगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, और यहाँ तक के जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर के एग्जिट पॉइंट के करीब पहुंचते हैं तो टेम्परेचर -53 पे चला जाता है, ठीक है, -53, -53 तक आपका टेम्परेचर चला जाएगा जैसे जैसे आप इसके निकलने की कोशिश करोगे। क्या ट्रोपो समझ में आ गया कि ट्रोपो क्या है? ये क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर आगे चलते हैं। ये हमारे पास पहली है ट्रोपो, द सन मेल्टेड द एग्स, क्लियर हो गया, चलें आगे देखो। ये जो दूसरी लेयर है इसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अब जी पहले वाली लेयर जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां से हम गए जी 12 किलोमीटर ऊपर, अब 12 से जब हम ऊपर मजीद जाते हैं तो वहां से शुरू हो जाती है स्ट्रेटो। स्ट्रेटो कहती है जी मैं जाऊंगी 50 किलोमीटर तक, सो 50 किलोमीटर तक की जो कहानी है वो स्ट्रेटो के पास है। अब इस लेयर के अंदर जो है वो है जिसने दुनिया को बचाया हुआ है, यानी ओजोन लेयर, ओजोन, ठीक है। ओजोन है क्या जी, सूरज से रोशनी आती है अल्ट्रा, उसमें सारी की सारी चीजें अच्छी नहीं होती हैं, सूरज के अंदर ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो कि इंसानों की जिंदगी के लिए, पौधों की जिंदगी के लिए नुकसानदेह हैं। अब ये जो चीजें नुकसानदेह हैं इन्हें कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशंस, जिससे जो है वो जिल्द के मसाइल हो सकते हैं, इंसानों की जिंदगी तबाह हो सकती है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ सकता है और क्लाइमेट चेंज आ सकता है। तो ये जो है वो अजून स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, अजून समझ लो एक जलाद की तरह एक बड़ा सा जो है वो यहाँ पे पर्दा लेके बैठा हुआ है, ठीक है, पर्दा लेके बैठा हुआ है, यहाँ से सूरज लाइट भेजता है, रोशनी भेजता है, और ये अजून जो है वो यहाँ से इसको जो है वो रोक देती है और फिल्टर करके सिर्फ वही चीजें भेजती है जो कि इनके लिए फायदेमंद है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे इंसान नमा जानवर रहते हैं जो कि ओजोन लेयर को भी छलनी कह रहे हैं, ठीक है, इसको जो है वो यहाँ पे छोटे छोटे सुराख कह रहे हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है। वो कैसे सुराख करते हैं ये आगे चल के देखते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर के पास अंदर वो छोटा सा जो है वो यहाँ पे समझ लो एक छोटा सा बंदा बैठा हुआ है जो कि रोकने की कोशिश करता है इन तमाम चीजों को, कि भाई ये लेयर ना भेजो अंदर जो है वो, ठीक है। ये अल्ट्रा वायलेट है क्या जिसको ये बंदा रोकने की कोशिश करता है? ये यूवी, एक्सट्रीम किस्म की हीट एनर्जी, एक्सट्रीम किस्म की ऐसी एनर्जी जो जमीन का टेम्परेचर इस तरह से जानवर ना हो तो आज टेम्परेचर 24 पे है, अगले घंटे में 24:50 पे पहुंच जाओ, पता ही ना चले, इतना इम्बैलेंस हो जाए कि ये कैसे ऊपर नीचे जो जा रहा, ठीक है जी। सो यहाँ से अब जब हम ऊपर जाते हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपने ट्रोपो से ऊपर तक जाने का सिलसिला शुरू किया, यहाँ पे 12 किलोमीटर गए, फिर ऊपर गए 50 तक तो स्ट्रेटो तक पहुंचे। अब स्ट्रेटो तक आप पहुंचे तो आपका टेम्परेचर जो है यहाँ पे कितना था? -53, ठीक है, यानी कि यहाँ तक जब आए थे तो 53 था ना, अब यहाँ से ऊपर गए तो टेम्परेचर आ गया 0.3 तक। अब मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ा है या कम है? ये -0.53 है, ये -0.03 है, अब टेम्परेचर बढ़ा है या कम हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज? ट्रोपो के एंड पे था -0.53 और ऊपर जाते हुए 0.3 तक चला गया माइनस में, टेम्परेचर बढ़ा है या कम हुआ है? 0.3 बढ़ा है या 0.-0.53 बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है या कम हुआ है? सोचे सोचे जरा आसान से। यहाँ पे हमारे पास था 0.53 माइनस में ना,
यहाँ पे ऊपर तक जो है वो जैसे जैसे हम गए तो ये चला गया 0.3। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि जब हमने ये देखें, जरा मैंने ना एक चीज आपको सामने ना लिखता हूँ, समझाता हूँ जरा, फिर आपको समझ में आएगा। व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, ये देखिए जरा, फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा कर लें। अच्छा जुड़े वाला, ये हमारे पास है जी 0 है, ठीक है, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, सामने क्यों बने? अच्छा नहीं यार, मेरी 9 बजे भी क्लास है। ठीक है ठीक है, 5 to 1 3। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब ये जो है वो हमारे पास है जी 1 है, +1 है, ये हमारे पास जो है वो +2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। अब 0 यहाँ पे है जी, 0 से आप यहाँ पे बैठे हैं, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये यहाँ तक के -53 है, ठीक है, -53 जो है, ठीक है। अब जरा गौर से मेरी बात सुनो, ये जब टेम्परेचर, हम कहते हैं आप सर्दी में बैठे हुए हो, टेम्परेचर गिरता चला जाता है, इंसरा कश्मीर से हैं आप चूंकि, तो जिन लोगों ने कश्मीर को विजिट किया होगा, तो जब टेम्परेचर -1 में गया, -2 में गया, -3 में, -53 तक टेम्परेचर पहुंच गया, अब टेम्परेचर जब वापस -0.3 पे आया, बढ़ा के कम हुआ? अब जरा मुझे बताओ, सर्दी में किसी जगह पे आप बैठे हुए हो, वहां पे एक तो टेम्परेचर है -3, एक जगह पे टेम्परेचर है -53, दोनों में से ज्यादा टेम्परेचर किस जगह पे है हमारे पास जो है? यहाँ पे जो है वो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, यहाँ पे कम है, -53 का मतलब है वहां पे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। मुजम्मिल नहीं समझ आई तो बताएं मुझे, मैं दोबारा समझा दूं। मुजम्मिल, ये समझ में आया ये पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, नहीं आया तो हम बता देंगे। माइनस हमारे पास जो है वो 53, यहाँ से जब यहाँ तक आए 0.3 तक जो है, यहाँ पे हीट बढ़ी, यहाँ पे एनर्जी बढ़ी, यहाँ पे ठंडक ज्यादा है, यहाँ पे ठंडक कम है, ठीक है। अब जो है अगर हम वापस अपनी किताब पे चले जाते हैं जी, यहाँ पे तो हम लोग ये जो है वो समझने की कोशिश करते हैं जनाब कि ये तो मामला कुछ और हो गया। ट्रोपोस्फेयर के एंड तक, यहाँ तक जो टेम्परेचर था वो सिर्फ जो है वो 0.-3 था, -5.3 था, -0.53 था। अब ऊपर तक ट्रोपो तक जाते हुए 0.3 है, इसका क्या मतलब हुआ? हजूरे वाला, गेम यहाँ पे डाल दी गई है, और ये गेम डाली है किसने? यूवी लाइट से, ये जो सूरज से लाइटें आ रही है ना, इसने स्ट्रेटो का टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ गया है 0.53 से 0.3 पे आ गया। अब जी गेम जाती है ऊपर, इन ना लेयर्स के दरमियान, ये सब बहनें बड़े सलूक से बड़े प्यार से रहा करती थी। पहली लेयर है जी हमारे पास ट्रोपो, ट्रोपो और स्ट्रेटो की एक दिन होगी लड़ाई, झगड़ा हो गया दोनों का, इन्होंने एक बाउंड्री कायम कर ली, उसका नाम रखा पाज, भाई बस ना तुम हमारी तरफ नहीं आओगे ना हम तुम्हारी तरफ नहीं जाओगे, तो इसका जो है वो पाज हो गया। इसने कहा जी, इसने नाम रख लिया जी ट्रोपो पाज, ठीक है जी, ट्रोपो पाज, यानी कि बाउंड्री लाइन हो गई कि बस ऊपर तक तुम्हारी, यहाँ तक हमारी, तो ये ट्रोपो और स्ट्रेटो के दरमियान जो बाउंड्री है ट्रोपो पाज। स्ट्रेटो और मेजो ने, स्ट्रेटो ने कहा ये बात है, चलो मैं भी बाउंड्री बना लेती हूँ, ये हमारे पास स्ट्रेटो पास, ये मेजो ने कहा ऐ गल लेते चलो फिर मैं भी बना लेनी है, मेजो पास, ठीक है। और इसने जो है वो इससे ऊपर जो है वो फिर थर्मो ने भी बना ली थर्मो पास, इन्होंने कहा भाई बाउंड्रियां बना लेते हैं फिर, ऐसा है तो ऐसा ही से, ऐसे तो ऐसे ही चलेगा, ये हमारे पास कहानी है। यहाँ तक कुछ सेकंड्स के लिए रुकते हैं, और जितना मैंने पढ़ाया उसको अभी के अभी देखें जरा, याद हो चुका है? क्लियर, समझ में आ चुका है? समझ में आया? ये बताना है, याद इसका नहीं करना, याद इसको बाद में करना, समझना है, जनरल साइंस समझने के लिए है, ये रट्टा नहीं लगाना है इसको, क्योंकि वो सुन के नजदीक जा रहा है। जी, ऐसे ही क्लियर होगा जी, गेम हमें समझ में आ गया। अब जी चोपो से निकल के हम सट्रेटो तक पहुंच गए हैं, सट्रेटो पे टेम्परेचर हो गया जी -0.3। अब हमें ये पता तो चल चुका है, अब सट्रेटो से आगे हमारे पास मंजिल है जी मेजोस्फेयर, मेजो। अब मेजो हमने देखा कि जनाब दो लेयर जो हैं वो पीछे हैं, यानी कि ट्रोपो और सट्रेटो जो हैं वो दो लेयर्स तो ये पीछे रह गई हैं, ये वाली दो लेयर्स ही आगे हैं, हमने देखा था ना
द सन मेल्टेड द एग, यानी कि ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेजो, थर्मो, और हमारे पास क्या था, एक्सो। ठीक है, तो अब दरमियान वाली जो है वो है जी मेजोस्फेयर। तो मेजोस्फेयर एक ऐसी सतह है जो कि ट्रोपो और स्ट्रेटो के बाद आती है, ये दरमियान में आती है पांचों की पांचों लेयर्स में से। अच्छा जी, ये शुरू होती है 50 किलोमीटर से, यानी कि जहाँ पे स्ट्रेटो खत्म होती है 50 से शुरू होती है और 80 तक खत्म हो जाती है। तो हम लोगों ने तो सफर किया था जमीन से, हम लोगों ने देखा तब 12 किलोमीटर पे ट्रोपो खत्म हुई, 12 से हम जो है वो 50 तक गए स्ट्रेटो, 50 से मेजो का सफर शुरू हो जाता है और 80 पर जाकर खत्म होता है। हजूरे वाला, मेजो जो है ये वो सतह है जहाँ पे आसमान से सितारे आते हैं। ठीक है, हम इंसान ना होते तो परिजात होते, हम लोग जो है वो इंसानों की तरह जो है वो ये टूटते हैं तारे, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से जो है वो खत्म हो जाते हैं। ये सटेटो के अंदर कोई सितारा नहीं आता है, वो शहाबे साकब यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो मेजो अपने पास रख लेती है। ठीक है, जितने सितारे टूटते हैं वो शहाबे साकब टूटते हैं, वो मेजो तक पहुंचते हैं, मेजो तक आते हैं। अब क्यों यहाँ पे आके जो है वो सितारे टूट जाते हैं, क्या वजह है, मेजो के क्या अंदर है, मेजो को खूबसूरत है, मैजो क्यों सबके सब सितारों को जो है वो रोक लेती हैं। ठीक है, नहीं जो स्ट्रेटो है वो है ना, ठीक है, 12 से 50, ठीक है, 12 से 50, 50 से 80। अगर आपने जमीन से देख रहे हो तो जमीन से, फिर ये जमीन से हम 50 कह रहे हैं, हम तो 12 से ऑनवर्ड्स कह रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन है कि क्या ये जमीन से है, द आंसर इज यस, जमीन से 50, जमीन से 80, जमीन से ये। तो वो तो दरमियान में बताया कि यहाँ पे ट्रोपो खत्म हो जाती है, यहाँ पे सटेटो, यहाँ पे मेजो। ठीक है, अर्थ से, ठीक है, अच्छा जी, मेजोस्फेयर में आके सितारे क्यों टूटते हैं, क्या वजह है जी? असल में बात ये है कि इसके पीछे गहरी राज है, वो अपने किसी को बताना नहीं है। हाँ, पेपर में बता देना। असल में हुआ कुछ यूं था कि मेजो की ना ठीक ठाक लड़ाई हो गई थी इससे सटेटो के बाद। ठीक है, यहाँ पे ठीक ठाक झगड़ा हो गया एक दिन दोनों का। अब हुआ कुछ यूं था कि सट्रेटो ने कहा ये मेरी जिम्मेदारी अकेली की है, कि मतलब मैं सूरज से जितनी भी यूवी लाइटें आती हैं, मैंने यहाँ पे जो है वो ओजोन पाजी को बिठाया हुआ है, ओजोन जो है वो सारी गैसें रोकता है। मैजो से कहा कि आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करो। मैजो ने कहा नहीं जी, ये मेरा काम तो नहीं है। ठीक है, मेरा काम तो नहीं है। उसने कहा देखो, मेरा टेम्परेचर जो है वो -0.3 तक आ गया है, कुछ गैसें थोड़ी बहुत आप भी अपने अंदर जाने दें। ठीक है, आप इस लेयर के अंदर आने दें। सो मैजो ने कहा भाई, मेरी तरफ तो कोई खबरदार ना कोई गैस ऊपर आए और ना ही मैंने आने देनी है। लिहाजा क्या हुआ, जब गैस कोई ऊपर नहीं जाएगी तो टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर यहाँ पे माइनस, हमारे पास जो है वो -93 तक चला गया। ठीक है, -0 नहीं, सीधा जो है वो हमारे पास -93 तक जो है वो ये टेम्परेचर चला गया यहाँ पे मेजो के पास। क्यों इतना ज्यादा गया, जो अल्ट्रा वायलेट लाइट थी इसने कोई भी अपने पास नहीं आने। ठीक है, अब जो है ये कूलेस्ट लेयर है हमारे पास, सबसे ठंडी जो है वो मेजो है। ठीक है, मेजो सबसे ठंडी है, यही वजह है कि यहाँ पे सितारे भी टूटते हैं और सब कुछ होता है। ठीक हो गया जी, ट्रोपो का भी पता चल गया, स्ट्रेटो का भी पता चल गया, मेजो का भी पता चल गया। अब आते हैं जी थर्मो के ऊपर। सो जी, मेजो दरमियान में है, बिल्कुल कूल माइंडेड है, इसको कोई परवाह नहीं है कि इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। इसे नहीं पता है कि अब जो है वो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर पे आज इमरान खान को पकड़ा जा चुका है। इसे नहीं पता कि स्ट्रेटोस्फेयर से नीचे नीचे जो है वो जहाज चल रहे हैं, ये आराम सुकून से बैठी मजे कर रही है ऊपर जो। आइए आ जाते जी थर्मोस्फेयर। थर्मो से याद रखिएगा, आपके पास थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर होता है, ये हमारे पास जो है वो इस लेयर का नाम दिया जाता है टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर खौफनाक हद तक ज्यादा हो जाता है, 2000 सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। इमेजिन करें जरा, 2000 सेल्सियस तक। अब ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग जो है वो बचपन में कहते हैं ना, वो देखते हैं बिजली कड़कती है, बिजली बनती है, वो सारे के सारे काम यहाँ पे होते हैं। अब होता क्या है जी, थर्मो के अंदर जो यहाँ पे बिजली बनती है, यहाँ पे होते हैं जी आयंस। ठीक है, आयंस, आयन क्या होते हैं जी, जब जमीन बनी, बिग बैंग हुआ, तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो जिनके ऊपर माइनस चार्ज था, कुछ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, कुछ आपस में मिल गए, कुछ ने कहा नहीं भाई मैंने तो अकेले अकेले रहना है। थर्मोस्फेयर के अंदर वो तमाम पार्टिकल्स मौजूद होते हैं आयंस,
यही जब आपस में टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है, यही जब टकराते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के जो है वो जमीन पर बरसते भी है, ठीक है। यूसुफ हजूरे वाला टेम्परेचर यहाँ पे 2000 है और ये हमारे पास होता है थर्मोस्फेयर। क्या ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं? इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब जी आखिरी कहानी में हमारे पास आ जाती है एक्सो। एक्सो यहां से ना ऑनवर्ड एक्सो शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, ट्रोपो के बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं कि ट्रोपो जो है वो कहाँ से कहाँ तक जो है वो चलती है, ठीक है। ट्रोपो सॉरी कह रहा हूँ, थर्मो जो है वो, अच्छा जी 80 के बाद ना ऊपर जितनी भी है वो सारी के सारी थर्मो है, 80 के बाद ऊपर जितनी है वो थर्मो है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये जाके यहाँ पे मेजो रुकी 80 तक जो है वो, 80 के बाद जो है वो हमारे पास थर्मो है। थर्मो के बाद जितनी भी है वो उसे कहते हैं एक्सोस्फीयर, यानी कि यहाँ पे साइंटिस्ट पहुंचे ही नहीं, इसको मेजर ही नहीं किया, ये नहीं हमें पता। एक्सो का मतलब ही यही है कि जनाब ये बाहर वाला एटमोसफेयर है, ठीक है। एक्सो जिसको हम माप ही नहीं सहे, एग्जिट से होता है ना, दरवाजों पर लिखा होता है एग्जिट, यहाँ से दफा हो जाए, बाहर निकल जाए, वो एग्जिट चले जाना, वहां से निकल जाना। तो एग्जोस्फेयर ये ऐसी सतह जहां पे कोई नहीं पहुंच सका। अब यहाँ पे क्यों नहीं पहुंच सका? हजूरे वाले यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा, यहाँ तक 2000 है, तो इससे ऊपर क्या होगा, इमेजिन करें। सो आप तो नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर देखें क्या क्या गेमें चल रही हैं, क्या क्या टेम्परेचर जो है वो चल रहे हैं। सो जी हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ये मिलता है आउटर स्फीयर से जाकर। ये जमीन जो है ना एक डब्बे की तरह है और ये यहाँ पे जो है वो आउटर स्फीयर से जाकर मिलता है। तो जी ये आपके पास जो है कुछ बातें हैं, ये थर्मोस्फीयर से बता दिया है कि ये 80 से ऑनवर्ड शुरू होता है और आपके पास जो है वो 120 तक जाता है, और 120 से आगे जो है वो फिर जितना है वो एक्सो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेयर्स हैं, क्या ये क्लियर हो चुका है? ये यहाँ तक जो है वो क्लियर है, तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। अब जी ये जो है वो एक्सप्लेनेशन भी इनकी मौजूद है, आई एम श्योर कि आप लोग जो है वो इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे, जरूर समझेंगे। मेजोस्फेयर यहाँ पे है जी आपके पास, ऑलराइट। मतलब इंसान कोयला बनने में नैनो सेकंड ही लेगा। हाँ जी नैनो से भी कम ही लेगा, वो तो मेजो की मर्जी है ना, मेजो ने रोक के रखी हुई है 2000 गैसें। किसी वक्त मेजो को गुस्सा आ गया तो उसे नीचे आ जाना सारे का सारा। अच्छा जी टेम्परेचर जो है वो इन तमाम की तमाम लेयर्स में, अब वो जो मुख्तलिफ क्यों है, सवाल ये पैदा होता है सर, लेयर से ये सूरज तो रोशनी देता है, अब इनमें मुख्तलिफ क्यों है? अब मुख्तलिफ लेयर जो है वो सूरज की एनर्जी को मुख्तलिफ तरह से जो है वो अब्जॉर्ब करता है। सर हमें जो ब्लू स्काई नजर आता है उसकी हाइट, यार ये जो बादल है ना, नहीं इनकी वेरिएशन है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ये जमीन की जहाँ पे सतह जो है वो ऊंची है वहां पे बादल ऐसे भी इलाके हैं कश्मीर के अंदर नॉर्दर्न एरियाज में, जहाँ बादलों को जो है वो बादल गुजरते हैं पास से, लोग हाथ जो है वो लगाते हैं उनको, ठीक है। नॉर्मल मौसम में ये नीचे भी आ जाते हैं, ठीक है। किसी जगह पे ऐसी भी जमीनें होती हैं, कितात होते हैं, वहां पे बादल गिर जाता है, वो जगह सारी की सारी गीली हो जाती है। सो हम ये सारे के सारे होते उसमें हैं, 12 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। 12 किलोमीटर से नीचे हैं, कोई 8-10 किलोमीटर तक होंगे मैक्सिमम, लेकिन ये वेरिएशन में रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि बादल जो है ना वो बनते हैं मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी अब एक लेयर जो है उसका टेम्परेचर 2000 पे है, उसी से नीचे -93 पे है, ये मामला क्या है? मामला ये है जी सूरज यहाँ पे बैठा हुआ, रोशनी जो है वो अपनी दिए जा रहा है, सूरज ने जो है वो रोशनी इनको दी। अब ये क्या कर रहे हैं कि कोई लेयर जो है वो उसे एब्जॉर्ब कर रही है, कोई जो है वो उसको आगे भेज रही है, कोई ओजोन के साथ उसको रोक रही है। जमीन के ऊपर जैसे ही जो है वो रोशनी पड़ती है, जमीन क्या करती है, रेडिएट कर देती है। ये रोशनी आई रखी बाकी वापस, ये रोशनी आई वापस, ये रोशनी आई वापस, मुनकस कर देना ना, वापस चले जाना, जितनी जरूरत है रख ली उसको, बाकी वापस भेज दिया। अब सूरज तो तबाह करने वाली भी जो है वो गर्मी भेज देता है, सारे की सारी तो जमीन नहीं जज़्ब कर सकती, सारी जज़्ब करे तो टेम्परेचर ऊपर चला जाए। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अब ये जमीन की तरफ से, सूरज की तरफ से रोशनी आई, जमीन गर्म हुई। अब जी यहाँ पे सारे की सारी जो सतह गर्म होती है उसका नाम ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है।
अब ट्रोपोस्फेयर जो है, जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे, ये ट्रोपोस्फेयर जो है वो यहाँ पे गैस कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। ठीक है, मैंने अर्ज किया ना कि ट्रोपोस्फेयर की जो सतह जहाँ पे खत्म होती है वहां पे टेम्परेचर हमारे पास -0.353 है। ठीक है, 0.53 है। अब ये हमारे पास है वो ऊपर ठंडक आती है, पहाड़ों के ऊपर चलते जाओगे ठंडे होते चले जाओगे, ये जो नॉर्दर्न एरियाज हैं ये ऊंचे हैं इस वजह से ठंडे हैं, मरी ठंडा है। ठीक है, पटरियाटा ठंडा है, इसलिए जो हमारे कश्मीरी इलाके जो वो ठंडे हैं। क्यों ठंडे हैं? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम ऊंचाई होती चली जाती है, तो वहां पे ट्रोपोस्फेयर के करीब होते चले जाते हो आप, तो टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाता है। लेकिन अजूरे वाला, जैसे जैसे जो है आप नीचे आते हो टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, ये जो मैंने बताया था कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो अलग करने वाली लाइन है उसका नाम ट्रोपोपॉज है। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रेटोपॉज है, मेसोपॉज है। टेम्परेचर जमीन का बढ़ना कब शुरू होता है? टेम्परेचर जो है वो कहता है बढ़ता है कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। अब होता कुछ यूँ है कि टेम्परेचर तब बढ़ता है जब हमारे पास ओजोन अब्जॉर्ब करती है रेडिएशन को। ओजोन वही जो हमने बताया था कि एक जो है वो कोई हनुमान बैठा हुआ है जो कि उसको रोकता है अल्ट्रावायलेट लाइट्स को। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये टेम्परेचर इसलिए ज्यादा हो जाता है कि उसने सूरज की यूवी लाइटों को रोकने की कोशिश करता, वो हाईली जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं उन्हें रोकता है। ये तो बायोलॉजी के सेक्शन में जाकर डिस्कस करेंगे ना, अभी तो हम क्लाइमेट पे रहेंगे ना, ये तो हम वहां पे आप मुझे क्वेश्चन कीजिएगा कि वो क्यों होता है रेड ब्लड सेल ज्यादा, अभी तो हम स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर पे पूछे। अच्छा जी, हमारे पास जो है स्ट्रेटोपॉज जो है वो मुख्तलिफ तरह से, हमने देखा ट्रोपो स्ट्रेटो को अलग करने वाला ट्रोपोपॉज होगा, स्ट्रेटो को जब अलग करने वाला होगा मेजो से वो हमारे पास स्ट्रेटोपॉज होगा, तो ये वो वाले पॉज। अब आप जो मौसम है, एटमॉस्फेयर है, उसको डिफरेंट लेयर्स पे जो है वो बता सकते हो। ठीक है, एक तो ये आपके पास हो गया कि जी ट्रोपो है, सेक्वेटो है, मेजो है, थर्मो है और एक्सो है। कहते हैं एक दूसरा तरीकाकार भी है, अभी लम्हा भर के लिए आप भूल जाएंगे आपने ट्रोपो मेजो इन तमाम चीजों को पढ़ा है। साइंसदान एक और तरीकाकार भी देते हैं, और वो क्या तरीकाकार है? वो कहते हैं जी जमीन के अंदर सिर्फ दो ही चीजें हैं। क्या चीजें हैं? एक है जी न्यूट्रल स्फीयर और एक है जी आइनोस्फीयर। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक जो सतह है जहां तक कोई किसी किस्म का आयन नहीं पाया जाता, एक को वहां तक तकसीम कर लिया कि ये वाली सतह अलहदा है, और जहां पे आयन पाया जाता है, आयन्स पाए जाते हैं, ये वाली सतह अलहदा है। अब मुझे बताएं किस लेयर में जो है वो आयन्स पाए जाते थे? किसमें पाए जाते थे? कौन सी लेयर मैंने अभी बताई है कि यहाँ पे आयनाइजेशन होती है? ग्रेट, हो गया जी। मैंने आपके साथ जो है वो अर्ज किया था थर्मो। ठीक है, थर्मो जो है वो, ये वाले लोग जो है वो ये कहते हैं कि जमीन की अभी जो है आपने ये लेयर्स पढ़ी है ना, इन सबको भूल जाएं जी। अच्छा जी, भूल गए, अब क्या करें? अब जी मैं आपको नई लेयर्स बताता हूँ। वो क्या नई लेयर्स होंगी? वो कहते हैं जी हम ना दो तरह से सादा लफ्जों में डिफाइन कर लेते। क्या जी सादा लफ्जों में डिफाइन? एक हमारे पास है जी न्यूट्रल शेप स्फीयर है। न्यूट्रल स्फीयर कहाँ तक है जी? अच्छा जी, जमीन से शुरू हो जो 60 किलोमीटर तक जो है ना, 60 किलोमीटर, ये हमारे पास न्यूट्रल स्फीयर है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जी आयंस नहीं पाए जाएंगे। ठीक, हो गया जी। इससे ऊपर जी आइनोस्फेयर है, वहां पे आयंस पाए जाएंगे। अच्छा भाई, ये आयन है क्या? होता क्या है आइनोस्फेयर जो है वो? कहता है यार ये जो आयन है ना, सूरज की सोलर और कॉस्मिक रेडिएशंस, जब सूरज की तरफ से रोशनी जो आती है तो ये क्या करते हैं, ये चार्ज हो जाते हैं, इनके जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयन्स के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये चार्ज होने की वजह से जो है वो फिर मिलते हैं, फिर मौसम बदलते हैं, फिर रोशनी होती है, तब लाइटिंग होती है, ये सारे के सारे काम होते हैं। तो दूसरी जो है वो हमारे पास जो है वो ये है जनाब, नीचे अर्थ से नीचे जो है वो तो हमारे पास जमीन की सतह शुरू हो जाती है ना, हमारे पास द क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, वो तो और है। यहाँ तक यानी कि जमीन से शुरू हुए, 60 तक जो गए वो है न्यूट्रल, और ऊपर चले गए
वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास आयनोस्फेयर। उन्होंने कहा जी दो चीजें बस मान लो, ठीक है जी, आयनोस्फेयर जहाँ पे ये सारे के सारे काम होते हैं, और जो न्यूट्रल है वहां पे ऐसा कोई काम नहीं होता, ना लाइटनिंग बनती है ना कुछ और होता। एक ये भी एक मुख्तलिफ थ्योरी है। अच्छा जी, जो सूरज का अपर एटमोसफेयर होता है ना, जिसे हम कोरोना कहते हैं, ठीक है, हमने जब सन को देखा था तो वहां पे देखा था कोरोना बहुत हॉट होता है। क्यों हॉट होता है? क्योंकि वहां पे अल्ट्रा वायलेट बहुत ज्यादा होती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है, ठीक है, वो भी रोशनी आयोनाइजेशन की वजह से चलती है। वहां पे भी आपस में टकराते हैं, आयंस बनते हैं, और फिर जो है वो वहां पे टेम्परेचर बढ़ता है। सो जी, हम ये कह सकते हैं कि सन के ऊपर भी एक प्रोसेस चल रहा है जो कि आयोनाइजेशन का है। आयनोस्फेयर जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि ये हमारे पास जो है जमीन के ऊपर, अगर हम देख सकें आयनोस्फेयर, एक जगह पे हमारी जी ये जो तय है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई पैगाम पहुंचाना है, कुछ काम करना है, वो हमारे पास आयनोस्फेयर का काम होता है, ठीक है, आयनोस्फेयर का काम होता है। आयनोस्फेयर को मैं मजीद भी डिस्कस करता हूँ, समझाता हूँ आपको कि आयनोस्फेयर होते क्या है। ये आयंस तो बनने का पता चल गया, ये जमीन जब बिग बैंग हुआ, मुख्तलिफ पार्टिकल्स आए, कुछ पे पॉजिटिव चार्ज था, कुछ पे नेगेटिव चार्ज था, ये दोनों के दोनों चार्जेस जो है वो मिलते हैं, तो वो फिर रिएक्शन जब करते हैं वो हमारे पास आयनाइजेशन था। लेकिन ये आयनोस्फेयर का इस्तेमाल क्या है, ये हमारे पास जो है वो यूज क्या है, किस यूज में आते हैं, इनको इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो जी, इसके लिए मैं आपके नोट्स पे जाना चाहूंगा। नहीं, केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई है, मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ। बस केमिस्ट्री तो अभी आगे चल के स्टार्ट होगी, अभी तो हम लोग जो है वो यहाँ पे हैं, ये आपके नोट्स पे आ गए हैं यहाँ पे। अच्छा जी, थोड़ा सा हम जाना चाहेंगे ऊपर। अच्छा जी, अब हमें समझ नहीं आ रही जी कि ये आयनोस्फेयर है क्या। तो हम आयनोस्फेयर जो है, लेकिन मैंने तो आपको बताया आसान तरीन करके समझाना होता है, ये तो मेरा काम है कि मैं आसान से आसान बनाऊंगा। आयनोस्फेयर एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे जमीन का ऊपर वाला एटमॉस्फेयर, जहाँ पे आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वो आपस में मिलते हैं। और सादा लफ्जों में बात कर लें, जमीन से ऊपर 60 किलोमीटर वाला हिस्सा, यानी कि 37 माइल, और वो जो 1,000 किलोमीटर तक चलता है, वो सब का सब आयनोस्फेयर कहलाता है। आयन जहाँ पे आयंस हैं, स्फीयर उस जगह का नाम है जहाँ पे आयंस पाए जाते हैं। सो सिंपली जो हमारे पास जमीन है वो जी एयर के अंदर जो है वो भरी पड़ी है, ठीक है, उसमें जो है वो आयंस मौजूद होते हैं। अब ये इस्तेमाल किस लिए होते हैं? रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। ये हमारे इर्द गिर्द आयंस मौजूद हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यही वजह है कि हमारी वेव्स जो है वो प्रोपोगेट करती है, ठीक है। अब जैसे ही रेडियो सिग्नल जो है, रेडियो का जो नशरियाती इदारा है, ब्रॉडकास्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ही वो हवा के अंदर अपने सिग्नल्स को जो है वो अमिट करते हैं, तो अब वो क्या करते हैं, सिग्नल जो है वो बाउंस करते हैं, वो उछलते हैं, ठीक है। आयनोस्फेयर उनको मदद करता है ट्रेवल करने में, ठीक है, आयनोस्फेयर उनको एक मुल्क से उठाता है, इंडिया से उठाता है, पाकिस्तान में ले आता है, ये दूरदर्शन है वगैरह वगैरह वगैरह। रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो आयनोस्फेयर की वजह से होती है, ठीक है। ऑरोरा फॉर्मेशन, ये जितने भी हमारे पास लाइटनिंग होती है, ये हीट चमकती है, ये सारे के सारे जो है वो किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से। और इसके अलावा जीपीएस और सैटेलाइट हमारी जो कम्युनिकेशंस है, ये भी आयंस की वजह से होती है। सो जी, हमारे पास एक ऐसा जो है वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा, जिसकी बदौलत हमारी सारी की सारी कम्युनिकेशंस जो है वो चलती हैं, ये हमारे पास जो है वो आयनोस्फेयर है। ये जो आखिरी वाली लाइन है ना यहाँ पे, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। द आयनोस्फेयर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स एंड मॉडिफाइज रेडियो वेव्स यूज फॉर द कम्युनिकेशन नेटवर्क। पता चल सका जी आयनोस्फेयर का इस्तेमाल क्या होता है, आयनोस्फेयर यूज कहाँ पे होते हैं? अच्छा जी, अब सवाल ये पूछा जाता है, वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, मतलब हवा का होना जरूरी क्यों है? एक बच्चे ने क्वेश्चन कर लिया कि जी ये देखें, अगर हवा ना होती तो फिर क्या होता। पहली बात तो ये है कि हम सब तो मर जाते अगर हवा ना होती, ऑक्सीजन ही ना होती तो हम लोग तो गए थे। ऑक्सीजन और
कम कम मिकदार में होती फिर भी चले जाते, सो एक बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है इसको मेंटेन रखने का भी एक साइकिल है, वो चलता है। सो एटमॉस्फेयर की अहमियत ये है कि सबसे पहले तो ये जिंदगी को जो है वो बचा के रखती है, ठीक है। सूरज की रोशनी जो है वो एनर्जी देती है, फोटोसिंथेसिस जो है वो देती है। सो हमारे पास एटमॉस्फेयर ही ये है जो जिंदगी को बचा के रखता है, ठीक है, बचा के रखता है। और अल्लाह के फजल करम से एक जो हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर है जो कि 95%, इमेजिन करें सूरज की तरफ से अगर कोई रोशनी आती है ना 100%, तो उसमें से 95% जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैं, और इनको रोकने वाला जो है ये अजून है, अजून बचाता है। समझ लें, अगर अजून खत्म हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाए, ये जमीन पे अल्ट्रा वायलेट को पहुंचने से रोकता। अब होता क्या है जी, अब जमीन के ऊपर, अब इस चीज को समझ लीजिएगा, ये सूरज से निकली रोशनी लाइट निकलती है, ये जमीन के ऊपर पड़ती है। अब जमीन से क्या होता है, जमीन इसको बैक भेजती है, इंफ्रारेड रेडिएशन कहता है, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन जितनी जरूरत थी जजब कर ली, बाकी वापस भेज दी। अब ऐसा तो नहीं है कि जमीन के अंदर ही चली गई, कि नहीं जो जितनी भी आई है अब जमीन के अंदर ही जाएगी, ऐसा नहीं होता। जमीन ने जितनी रखी वहां पे रख ली, बाकी भेज दी। अब मसला असल में तब पैदा शुरू हो जाता है जब जमीन वापस भेजे, लेकिन ये जो गैसें हैं ये वापस जाने ना दें, जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कंट्रियां इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करती हैं। अब ये क्या करती हैं कि ये जो गैसेस हैं ये यहाँ पे इनको रोक लेती हैं। सूरज की रोशनी आई, वहां तो गई, लेकिन वापस जाने नहीं देती हैं, क्योंकि जमीन के ऊपर ऐसे ऐसे केमिकल्स, ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसी ऐसी गैसेस इस्तेमाल की कि अब वो जा नहीं सकते। अब जमीन का टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा या कम होगा, गैसेस आ तो रही हैं, वापस नहीं जा रही हैं। इंक्रीज होगा, बड़े होगा, जमीन के टेम्परेचर का बढ़ने का ये अमल ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, मुझे ये बताइएगा यस या नो, सारी की सारी जमीन क्या इस तरह से एक लाइन की तरह सीधी है, या हमारे पास जो है ऑप्शन ए ये है कि लाइन की तरह सीधी है, ऑप्शन बी ये है कि कहीं पे हमारे पास जो है वो ऊंची है, कहीं पे नीची है, कहीं पे बहुत ऊंची है, कहीं पे नीचे, इस तरह से है, तो कौन सा ऑप्शन आप लेंगे, ऑप्शन ए या बी? ऑप्शन ए है बिल्कुल सीधी है, या ऑप्शन बी? ऑप्शन बी ऑब्वियसली। तो अब जमीन के ऊपर जब ऑप्शन बी आपने लिया, तो मुझे ये बताएं कि क्या हर जगह पे सूरज की रोशनी जो है वो इक्वल है या अनइक्वल है, कहीं पे ज्यादा जा रही है, कहीं पे कम जा रही है, इक्वल या अनइक्वल? अनइक्वल है, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब देखो सूरज की रोशनी जो अर्थ के ऊपर पड़ती है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं है ड्यू टू इट्स इंक्लिनेशन। अब क्या होता है, वेदर पैटर्न्स बन जाते हैं। क्यों बनते हैं वेदर पैटर्न्स जो है वो, यहाँ पे किसी जगह पे जमीन ऊंची थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जमीन जो है वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थी, ये पहाड़, ये जो है वो हमारे पास ऊंचा चला जाता है, ये पहाड़ है, ये नीचे, ये ऊंचा, ये नीचे, ये ऊंचा, ये नीचे, ये ऊंचा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो नदी आ गई, फिर ऊपर चले गए। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो, यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ी, अब यहाँ से हवा जो है, ये पानी जो है वो इवेपोरेट होना शुरू हुआ, ऊपर उठना शुरू हुआ, बदले में क्या हुआ, हवा जो है वो यहाँ पे आना शुरू हो गई, कि यहाँ से हवा इसकी जगह लेने के लिए आई, फिर आंधियाँ चलती, ठीक है। बताना ये चाह रहा हूँ कि जमीन के इंक्लिनेशन की, झुकाव की वजह से जमीन के ऊपर वेदर पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। जमीन की जो है वो मोशन होती है, वेदर पैटर्न बनते हैं, हरकत जो है वो होती है। बस ये वाली आखिरी लाइनें दो चार एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा जी, जो हमारे पास विंड करंट्स हैं, ये जो आंधियों का चलना, हवाओं का चलना जो होता है, ये हमारे पास ग्लोबल स्केल पे भी चलता है और लोकल स्केल पे भी चलता है, चलते हैं। वो क्यों आते हैं, क्योंकि जमीन इक्वल नहीं है, एक जगह पे टेम्परेचर जो है वो एक समंदर है, समंदर के ऊपर सूरज की रोशनी डालते चले जाएं, पानी को अगर हम गर्म करते हैं, देगची में देखा होगा पानी के कतरे जो है वो लग जाते हैं ना देगची के साथ, यस और नो, लगते हैं या नहीं लगते हैं? प्रेशर कुकर को जब खोलते हो तो लगे होते हैं ना ऊपर पानी की इवेपोरेशन, ऐसा ही जब ये समंदरों के ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है, पानी ऊपर उठता है, पानी के ऊपर उठने के बाद
एक हवा की जो है वो यहाँ पे हवा कम होती है, हवा की जगह लेने के लिए दूसरी हवा जो है वो तेजी से उसकी जगह पे आती है, और इसके नतीजे में हमारे पास तूफान आते हैं, टोरेंडोज बनते हैं। ठीक है, अब इनकी वजह से हमारे पास मौसम भी तब्दील होते हैं, वेदर करंट्स भी तब्दील होते हैं। यही वजह है कि एटमोसफेयर हमारा जो है वो बदलता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इसको मौसम को समझना जो है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसका बिहेवियर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सो जी, हमारे पास एटमोसफेयर जो है वो सबसे अहम है, और ये सारे के सारे तरीकेकार वो है जो कि एटमोसफेयर के एक डायनामिक एटमोसफेयर बनाता है, डायनामिक बदलने वाला, मुतहरिक रहने वाला। ठीक है, तो ये है हमारे पास टॉपिक था एनवायरमेंटल साइंस में, एटमोसफेयर क्या होता है, एटमोसफेयर में सारी की सारी लेयर्स क्या हैं, एटमोसफेयर की अहमियत क्या है। क्या यहाँ तक क्लियर है? कल की क्लास से पहले चैप्टर नंबर 2 जो है, चैप्टर नंबर 2 उसके जुड़े वाला आपने जो है उसके जो एमसीक्यूज हैं उनको याद करके आना है, और अभी जो है वो क्लास एंड के बाद जो है, बल्कि शाम को इवनिंग में बैठ के ये जितना मैंने पढ़ाया है मेन हेडिंग दोगे, एक एक चीज को याद करोगे और जुबानी लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे एनवायरनमेंट क्या है, फिजिकल क्या है, लिविंग क्या है, ये सारे के सारे को जुबानी लिखोगे और ये कल की क्लास से पहले पहले सबमिट करवाओगे अपने ग्रुप के अंदर। मुजम्मिल आप बिलखसूस, क्योंकि आप ना कम कम हमें नजर आते हो। मुजम्मिल कोई सवाल तो नहीं है यार, पूछ लो, अगर कोई क्वेश्चन है किसी चीज के समझ नहीं आई तो पूछा जा सकता है। चलें जी, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच एवरीवन, कल की क्लास में मुलाकात होती है। ये ना जनरल साइंस को हमने समझना है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा एक्सपेक्ट कीजिएगा, लेकिन ये इंशाल्लाह हमारा खत्म हो जाएगा नवंबर से पहले पहले ना, लेकिन इसमें जो है वो अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। उसकी वजह ये है कि मैं टॉपिक समझाऊंगा, किताब जैसे ही खोलोगे ना इंशाल्लाह तो जमीन तो आपके माइंड में दो ही चीजें आएंगी, एक तो किताब का टॉपिक और दूसरा मैं आऊंगा, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन किया होगा अच्छे से। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई चीज मुश्किल ना लगे आपको, समझ में आए, मैं कॉन्सेप्ट पे हिट करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं टाइम थोड़ा ज्यादा लूंगा लेकिन समझाऊंगा, तो प्लीज मेक इट श्योर, क्योंकि इसमें हमारा टारगेट जो है वो इंशाल्लाह 70+ पे होगा, 70+ को समझोगे। लीजिए, करंट अफेयर्स की क्लास में मुलाकात होती है आप सबसे, टेक केयर, खुदा हाफिज।